हेलो, माय नेम इज शेफ सुमित पंत और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कोल स्लॉ सैलड कैसे बनता है। और कोल स्लॉ सैलड को यूज़ करके हम एक बहुत ही बेहतरीन ग्रिल्ड कोल स्लॉ सैंडविच कैसे बना सकते हैं। जो कोल स्लॉ सैलड है, एक बहुत ही पुराना सैलड है, उसमें क्या क्या डलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने कुछ कैबेज लिया है जिसको मैंने बहुत ही फाइनली श्रेड कर दिया है। ये पूरी की पूरी मैं इसमें डाल दूंगा कैबेज को, और इसी के साथ मैं डाल दूंगा कैरेट्स। अब कई लोग इसमें कैप्सिकम भी डालते हैं। वेल, डिफरेंट रेसिपीज में से डिफरेंट थिंग्स, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ ओनली कैबेज एंड कैरेट्स। इसको हल्का सा मैं करूँगा स्वीट बाय द एडिशन ऑफ हनी। अब मैं इसमें डाल दूंगा मेयोनेज, इसमें मैं थोड़ा सा ये लेमन है इसको स्क्वीज कर लूँगा। स्वीटनेस आ चुकी है इसमें, सारनेस इसमें आ जाएगी लेमन से। अब इसको मैं बढ़िया से मिक्स कर लूँगा और इसको मैं सीजन करूँगा सॉल्ट एंड पेपर से। अब बहुत इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से मिला दूँ, नहीं तो ये जो कैबेज है वो मिक्स नहीं होएगी। आप देख सकते हैं कि सारी की जो सारी सब्जियां हैं वो बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और ये सैलड है हमारा बन के तैयार है। इसको मैं फिनिश करूँगा बाय एडिशन ऑफ सेलरी और नाउ आई एम गोना मिक्स दिस वेरी नाइस। हमने इसमें आज हनी डाला है बिकॉज हमारे पास रेजिन्स नहीं थे, सो रेजिन्स आर अ मच मच बेटर ऑप्शन वाइल यू मेकिंग कोल स्लो। ये हमारा कोल स्लो सैलड बन के तैयार है। अब हम एक ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड में हम इसको स्प्रेड कर लेंगे बढ़िया से, और उसके बाद इस ब्रेड में हम थोड़ा मक्खन लगा के बाहर की साइड से इसको ग्रिल कर देंगे। एक बार ये सैंडविच तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कोल्सलो ग्रिल सैंडविच हमारा कैसा बना है। अब मैं इसको ग्रिल कर दूंगा। Presenting to you coleslaw salad along with grilled coleslaw sandwich.